नवदीप सैनी पर भड़के रोहित शर्मा, बीच मैदान पर किया ऐसा इशारा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे T20 मैच, तेज गेंदबाज नवदीप सैनी खास महंगे साबित हुए थे। मैच के दौरान रोहित शर्मा भी उनकी गेंदबाजी से नाराज हो गए थे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे T20 टीम इंडिया को हार मिली थी। नतीजा विराट एंड कंपनी सीरीज जीतने से चूक गई। बेंगलोर T20 में भारतीय टीम की हार की वजह उनकी खराब बल्लेबाजी और गेंदबाजी भी रही है। बता दें कि इस मैच के दौरान रोहित शर्मा फील्डिंग करते हुए काफी नाराज दिखाई दिए। इसकी वजह से नवदीप सैनी मैच की दूसरी पारी में रोहित शर्मा को नवदीप सैनी पर गुस्सा होते हुए देखा गया। साउथ अफ्रीका की पारी के 12वें ओवर में नवदीप सैनी ने एक खराब गेंद फेंकी जिससे रोहित शर्मा नाराज हो गए। ये गेंद फुल टॉस थी जिसे अफ्रीकी खिलाड़ी टैबा बाबूमा ने मिड विकेट पर चौके के लिए पहुंचा दिया। इसके बाद रोहित शर्मा ने नवदीप सैनी को दिमाग लगाकर गेंदबाजी करने की सलाह दे डाली। रोहित शर्मा को सिर पर हाथ लगाकर इशारा करते हुए भी देखा गया। नवदीप सैनी इस मुकाबले में काफी महंगे साबित हुए थे। इस मैच में उन्होंने 2 ओवर में 25 रन लुटा दिए थे और उन्हें एक भी विकेट हासिल नहीं हुआ था। नतीजा टीम इंडिया ने 9 विकेट के मैच गवा दिया। फिलहाल नवदीप सैनी विजय हजारे ट्रॉफी से दिल्ली के लिए खेल रहे हैं और उन्होंने हरियाणा के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए 36 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए हैं। दूसरी ओर रोहित शर्मा अब टेस्ट सीरीज की तैयारियों में जुटे हैं। गुरुवार को रोहित शर्मा साउथ अफ्रीका के खिलाफ प्रैक्टिस मैच खेलेंगे जिसमें वो वर्ल्ड प्रेसिडेंट 11 की कप्तानी करेंगे। इस मुकाबले में रोहित शर्मा बतौर ओपनर मैदान पर उतरेंगे। 2 अक्टूबर से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज के लिए रोहित शर्मा का बतौर ओपनर टीम इंडिया में जगह मिली है। केएल राहुल की खराब प्रदर्शन की वजह से रोहित शर्मा को ये मौका मिला है। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।